कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। शाहबाज नदीम के लिए ये कहावत सच हो गई। धनबाद के रहने वाले स्पिनर शाहबाज नदीम को 15 साल बाद टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला। इसके बाद धनबाद और शाहबाज के ससुराल में खुशी की लहर है। बहुत खुशी है, बहुत दिन से हमारी चाह थी कि जल्द से जल्द इंडिया की टीम खेले और उसके सेक्शन में से हम सब में परिवार वालों में सब में बहुत खुशी है। शाहबाज के बारे में ये बात जानकर सबसे ज्यादा खुशी तो उनके गुरु रहे इम्तियाज हुसैन को हुई है। कोच इम्तियाज हुसैन न्यूज से बात करते हुए थोड़े भावुक भी हो गए और कहा कि धनबाद की मिट्टी से सोना निकला है। देखते हैं कि भाई एक अच्छा मौका आ गया है और इसको डिजर्व भी कर रहा था और ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और खासकर धनबाद के लोगों के लिए। पता नहीं था, उसने खुद बताया, तो वो कलकत्ता से बाई कार आया है जमशेदपुर यहाँ रांची, तो जब जमशेदपुर पहुंचा तब वो हमको टेलीफोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। इतनी खुशी की बात है और धनबाद के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो फैसिलिटी जो और जगहों में है, दिल्ली बम्बई सब में, वो फैसिलिटी तो अपना के पास है नहीं, बट जो भी है इसी से आदमी मिट्टी से सोना निकालने वाला काम है। वहीं कोच इम्तियाज हुसैन ने बताया कि शाहबाज के साथ उनके पिता ने भी काफी मेहनत की थी। उसके फादर भी मेहनत करते थे, उसके फादर एक वीडियो कैमरा खरीद लिया और जितनी चीज हम बताते थे उसको वो कैमरे में कैद करते थे और जब हम नहीं रहते थे, मतलब कहीं कोचिंग में चले गए या सिलेक्शन वगैरह में गए, तो वो लोग जो है हमेशा वो उन लोगों को दिखाते कि देखो सर ऐसे बॉलिंग करके बताए हैं, तुम ऐसा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे उन लोग का सही हो जाता था जो फॉल्ट। आपको बता दें कि 12 अगस्त 1989 को जन्मे शाहबाज नदीम ने 11 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलने की शुरुआत कर दी थी। नदीम ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 13 साल की उम्र में अंडर 14 की टीम में अपनी जगह बना ली। इसके बाद वो अंडर 17, अंडर 19 और रणजी टीम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।